السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما اللهم اجعلنا مباركا اينما كنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ جو اصول قرآن نے دسیا ہے نہیں اصول کوئی اس اصول ورگا چن جنا بھی باوے غسین ہووے نہیں جے آقا دے قدمہ دی جھول ورگا اور لکھاں پت جائے ماواں جہان اندر
किसे पुत नहीं जाया बतूल वरगा एक लख ते कई हजार विचों नहीं रसूल कोई साडे रसूल वरगा हर किस्म दी हमदो सना तारीफात किबरियाई बड़ाई तन्हाई शहनशाही बादशाही अल्लाह वहदहु ला शरीक दी ज़ात पाक वास्ते खास दुरूदो सलाम सैयदुना व इमामुना इमाम कुल फ़खर रसुल नबी रहमत रहमत दो आलम आका कायनात हबीब किबरिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ात गिरामी थे ज़िवकार मौज़ सामाईन व सामयात अल्लाह ताला दा बेहद शुक्र है कि उस मालिक ने अपनी रहमत और तौफीके खास नल सानू अपने घर मस्जिद दे अंदर किताबो सुन्नत दियां बातां सुनन सुनान वास्ते जमा होण दी तौफीक अता फरमाई। मेरी दुआ है अल्लाह ताला साडा सारयां दा अज दा इस मुकाम ते जमा होना अहबाब दा इस अजीमो शान सालाना कानफ्रेंस दा इह तमाम इंतजाम फरमाना अपनी बारगाह दे अंदर कबूलो मंजूर फरमा के साडे सारयां वास्ते हदायत और निजात दा सबब बणाए। मोहतरम जनाब कारी मुर्तजा जहीर साहब मोहतरम हाफिज अब्दुल बासित रोपड़ी साहब हाफिजाहुल्ला इन्हां दे रुफका अहबाब जमात नमाजी हजरात जमाती अहबाब अहले गाँव अहले इलाका इलाका भर तो तशरीफ लै करके आने वाले मुअज्जज़ मोहतरम उलमाए कराम मोहतरम कारी मुहम्मद यूनस साहब मोहतरम मौलाना उमर फारूक हकानी साहब हाफिजाहुल्ला और आज दी इस बजम दे मेहमान खसूसी मोहतरम हाफिज अब्दुल मजीद साहब मौलाना हाफिज मुनीबुर रहमान साहब अल्लाह ताला सब दियाँ मेहनतां कोशिशां काविशां अपनी बारगाह दे अंदर कबूलो मंजूर फरमाए। कुरान पाक दी सूरा जुमा दी आयत नंबर 2 तुस अहबाब दे सामने तिलावत करन दी सादत हासिल कीती। इस आया मुबारक दे अंदर अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस सलातु वस्सलाम दी आमद दा मकसद और आप दी आमद तो पहला अरब दे हालात दा तज़किरा फरमाया। फरमाया हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मीयीन रसूला ओ ज़ात जिन्ने मबऊस फरमाया उम्मीयीन लोगां दे अंदर अपने रसूल नूं उम्मीयीन अनपढ़ ना वाकफ ना इलम और जिन्हां नूं रब दी जात दे हवाले नाल वाकफियत नहीं सी रसूलां दे हवाले नाल वाकफियत नहीं सी अपने अपने दीन तो लोग दूर हो चुके सन। मुफसरीन लिखते ने कि नबी पाक अलैहि सलातु वसलाम दे आन तो पहला आप दी बेसत तो पहला अरब दे अंदर तीन बड़े मजहब सन। कितने? तीन बड़े मजहब सन यहूदीयत ईसाईयत और दीने इब्राहीम नू मनन वाले। यहूदी ए भी अपने असली दीन ते नहीं सन अपने दीन दे अंदर इन्ना खराफात पैदा कर लिया सन। ईसाई ए भी अपने असली दीन ते नहीं सन इन्ना भी अपने दीन दे अंदर खराफात पैदा कर लिया सन और दीने इब्राहीम दे मनन वाले इन्हां भी खराफात पैदा कर लिया सन। एवें चंद गिने चुने लोग जिहड़े दीने इब्राहीम ते अमल करन वाले इन्हां दे अंदर एक बहुत बड़ा नाम जिन्हां दा जिक्र इमाम बुखारी रहमतुल्ला अलैह ने अपनी बुखारी दे अंदर कीता है और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
अपनी जुबानी नबूवत दिंदरों उन्हां दा जिक्र फरमाया। बड़ी वड्डी हस्ती जिन्हां दा नाम जैद बिन अमर बिन नुफैल, यो हस्ती ने कि जिस दौर दे अंदर लोग बैतुल्ला दे अंदर बुत रख के उन्हां दी पूजा करिया करदे सन, जैद बिन अमर बिन नुफैल इन्हां नूं मना करिया करदे सन कि इन्हां दी पूजा ना करो, इबादत करनी है ते किदी करनी है। जिस दौर दे अंदर लोग गैर अल्लाह दे नाम दे जानवर ज़िबा करिया करदे सन, जैद बिन अमर बिन नुफैल इन्हां नूं मना करिया करदे सन, लोगो अल्लाह दे अलावा किसी और दे नाम दा जानवर ज़िबा करना। जिस दौर दे अंदर लोग जम दियां धीआं नूं जिंदा दरगोर कर देंदे सन, उस दौर दे अंदर जैद बिन अमर बिन नुफैल इन्हां नूं पता लग जांदा फलां घर दे अंदर बेटी पैदा हो गई, उहदे दरवाजे ते जांदे जाके दस्तक देंदे और कहंदे बेटी जिंदा दरगोर ना करना, ये बच्ची मैनू दे दियो, मैनू पालांगा भी संभालांगा भी, इहदी तरबीयत भी करांगा परवरिश भी करांगा, ये बच्चियां ले आंदे इन्हां दी तरबीयत कर दे परवरिश कर दे। और सीरत निगार लिखते ने हज़रत जैद बिन अमर बिन नुफैल की वजह करके 100 बच्चियां जिंदा दरगोर होने तो बचियां। और ऐसे लोगों का जिक्र अल्लाह ने अपने कुरान पाक के अंदर इन अल्फाज नाल फरमाया, हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीन, फरमाया सी अपना रसूल भेजिया उन्हां लोगों वल जिहड़े उम्मीयीन सन, जिहड़े नावाकफ सन, जिहड़े अनजान सन, जिन्हां नूं दीन दा नहीं पता सी, रब दा नहीं पता सी, रब दे रसूलां दा नहीं सी पता, इंसानियत भूल चुके सन। अल्लाह ने उस दौर दे अंदर अपने पैगंबर नूं भेजिया, सोने ने आके इन्हां नूं कुरान पाक दियां आयतां पढ़ पढ़ के सुनाइयां, इन्हां दा तज़किया कीता, किताबे हिकमत दी तलीम दीती। वह इन कानू मिन कबलु लफी ज़लाल मुबीन, नबी पाक दे आण तो पहला हर पासे जहालतां सन, हर पासे जलालतां सन, हर पासे गुमराहियां सन। ऐसे दौर दे अंदर आके मेरे पैगंबर ने पूरी इंसानियत नूं रब दी पहचान भी करवाई, अपनी जात दा भी तारफ कराया और इंसानियत दी कदर भी सिखलाई। आइए अज दी नशिश दे अंदर मेरे जिम्मे जो उनवान लगाया गए बेटी दी अजमत, नबी पाक दे आण तो पहला बेटी दी कोई कदरों कीमत नहीं सी, जम दियां धीआं नूं लोग जिंदा दरगोर कर देंदे सन, रहमत कायनात रहमत दा पैगाम लैके आए। इस हवाले इंशाल्लाह किताबो सुन्नत दी रोशनी दे अंदर चंद गुजारशात करांगा। दुआ करना अल्लाह ताला शरा सदर फरमाए, किताबो सुन्नत दे मुताबिक मैनू हक सच बयान करन दी तौफीक अता फरमाए। सौण वाले भाई नूं बुलाओ जरा, किथे ने इहदी आ जिहड़ी ट्रिपल आवाज़ आ रही ने, बंद करो आवाज़, ज़रा साफ करो आवाज़ अंदर, जी कुटा ने ख़त्म कर दो, कितने चले गए, तवजो है माशाल्लाह, तवजो मेरी तरफ करो। अल्लाह ताला ने नबी पाक अली गिस्सलातुं वस्सलाम दे आन तो पहले दे हालात बयान किए और मेरे पैगंबर दी रहमत दे पैगाम नू बयान फरमाया। तवजो करना, हबीब इकबरिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु, पढ़ो दुरूद पाक सल्लल्लाहु, सारे दुरूद पाक पढ़ो सल्लल्लाहु। माशाल्लाह पाक पतन दी मरकजी कयादत कारी खलीलुल्ला फारूकी साहब, मौलाना हाफज उमर फारूक साहब हाफिज़ाउल्ला, भाई ताहर भुट्टा साहब, दीगर मुअज्जज़ मोहतरम उलमाए कराम तशरीफ़ लैके आए, अहलन सहलन मरहबा, ज़ियारत फरमाओ ते तवज्जो मेरे वल करो, तवज्जो है माशाल्लाह, ओ तवज्जो है, इधर मेरे वल वेखो, तवज्जो करना, हबीबे किबरिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहि सलातु वसलाम दे सीना पाक ते कुराने पाक नादल फरमाया, फरमाया आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीन रसूला। इहदी रिपीटिंग बिल्कुल बंद कर दियो, बेस भी बिल्कुल बंद कर दियो, ऑफ कर दियो बेस, मास्टर थोड़ा जा बस खोल दियो, अल्लाह तुहानू जज़ाए खैर अता फरमाए। तो जो करना, हबीबे किबरिया जनाबे मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल ठीक है, नहीं छेड़ना, बस तवज्जो करना। अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सीना पाक दे कुरान पाक नादल किया, फरमाया वल्लज़ी बासा फिल उम्मीन रसूला रसूलम मिनहुम यतलु अलैहिम आयातिहि वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा व इन कानु मिन कब्लु लफी ज़लालिम मुबीन। फरमाया सोना नबी आया उन्हां लोगां दे अंदर जिहड़े ना वाकफ सन, उम्मीन सन, अनपढ़ सन, सोने ने आके तलीम दित्ती है कुरान पाक दी, इन्हां दा तज़किया कीता है, किताबे हिकमत दी तलीम दित्ती, अल्लाह दे कुरान दी आयतां पढ़ के सुनाइयां ने, मेरे पैगंबर दे आण तो पहलां जहालतां सन जलालतां सन, अल्लाह दे कुरान दा कार मुकाम। फरमाया लकद मन अल्लाह अलल मुमिनीना इस बासफी गिम रसूलम मिनाल फुसिगिम यतलू अलैहिम आयातिहि वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा व इन कानु मिन कब्लु लफी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह फरमांदे ने तहकीक असी मोमना ते एहसान किया, अपना रसूल भेज के, साडा रसूल इन्हां दे विचों ही आए ने, इन्हां नूं आके कुरान पढ़ के सुनाए, तज़किया कीता है, किताबे हिकमत दी तलीम दित्ती है, मेरे पैगंबर दे आण तो पहला जगालतां सन जलालतां सन, जिथे शिरक दियां जगालतां सन, रस्म रवाज दियां जगालतां सन, जिथे जिना आम सी, जिथे शराब आम सी, जिथे लोगां गरीबां ते जुलम कीता जांदा सी, उत्थे जम दियां धीआं नूं जिंदा दरगोर कीता जांदा सी। मेरे पैगंबर ने उस दौर दे अंदर आके रहमत दा पैगाम दिता, इस जगालत ते जलालत दा खात्मा कीता। सुनना नबी पाक दा फरमान, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन का नत लहू उनसा फलम यदगा वलम युगनगा वलम योसर वलदहू अलैगा या निज़्ज़ुकूर अदखलहुल जन्ना। फरमाया जिस बंदे नूं अल्लाह ताला ने एक बेटी अता की, तवज्जो करिया जे, ध्यान करिया जे, जिस बंदे नूं अल्लाह ताला ने एक बेटी अता की, दौरे जाकलीयत दी तरह बेटी नूं जिंदा दरगोर नहीं करदा, बेटी नूं बुरा नहीं समझदा, बेटे नूं बेटी ते तरजीह नहीं दिंदा, जिहड़ा प्यार बेटे नाल करदा है उहो प्यार बेटी नाल कर दे, जिहड़े लाड बेटे वास्ते उहो लाड बेटी वास्ते। नबी पाक फरमांदे ने रब ताला नूं इह बंदा एडा चंगा लगदे, अद खला गुल्लाहुल जन्ना, अल्लाह इनू जन्नत दा दाखला अता कर दिंदे। दूसरी गति समात परमाणा सही मुस्लिम दी रवायत, नबी पाक ने सलातु वसलाम दे सहाबी सैयद ना गदर ते अनस रदी अल्लाह तआन को बयान करदे ने, नबी पाक ने फरमाया मन आला जारियां तईनी हत्ता तबलुगा जा यौमल कियामा आना वाकुमा वज़म्मा असाबिया। मेरे पैगंबर फरमाते ने जिस बंदे नूं अल्लाह ने दो बेटियां अता कीतियां, दो बेटियां, फरमाया मनाला जारियां तईने हत्ता तबलुगा जा यौमल कियामा, जिमें जिमें बेटी की उम्र बढ़ती जाती है, मापियां दियां जिम्मेदारियां बढ़तियां जांदियां ने, बेटी बोलना सीखती है इनू कलमा पढ़ा देंदा है, बेटी पढ़ना सीखती है इनू कुराने पाक पढ़ा देंदा है, इनू हदीस का तर्जमा सिखा देंदे, सूरह मरियम का तर्जमा पढ़ा देंदे, सूरह नूर का तर्जमा पढ़ा देंदे, बेटी की उम्र बढ़ती जाती है, मापियां दियां जिम्मेदारियां बढ़तियां जांदियां ने, इन्हें बैठना सीखे तो बैठन का तरीका मापियां सिखा दिते, इन्हें चलना सीखे तो चलण का तरीका सिखा दिते, जरा बड़ी होई है नमाज का तरीका सिखा दिते, और बड़ी होई है तो पर्दा सिखा दिते, फिर जवान हो गई है
ने एक रिश्ता वेख के निकाह कर दिता है। मेरे पैगंबर फरमाते ने दो बेटियां दी तरबियत करन वाला, दो बेटियां दी परवरिश करन वाला रब नूं एडा चंगा लग दे, अल्लाह इनू जन्नत भी देगा ते जन्नत दे अंदर मुहम्मद दा गवांडी भी बना देगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर दियां वास्ते रहमत दा पैगाम लै करके आए। इस वास्ते मेरा दिल करदा मैं शुरू दे अंदर मुहब्बत दा इज़हार कर जावां। ओ सोना जागे ते शाह के उमम आया, सोना जागी ते शाह के उमम आया, वंडणे दुखियां दे गम आया। ओ सुभान अल्लाह, मैं लगता अठत्ती वालियां वाहवा ठंड मना लीए, रखिच के कहो सुभान अल्लाह। वो बेशक ठंड अचानक ही आ गई पर एडी भी ना मनाओ, जरा बुकलों चो हथ कढ़ो सज्जा हाथ चुक के उच्ची आवाज नाल कहो सुभान अल्लाह। सोना जागी ते शाह के उमम आया, सोना जागी ते शाह के उमम आया, वंडने दुखियां दे गम आया। कोई अब्दुल्ला दा चैन चुमे, कोई अब्दुल्ला दा चैन चुमे, कोई जुल्फ चुमे कोई नैन चुमे, कोई जुल्फ चुमे कोई नैन चुमे, चुमण जिबरील कदम आया, चुमण जिबरील कदम आया, वंडने दुखियां दे गम आया। सोना जागी ते शाह के उमम आया, वंडने दुखियां दे गम आया। जिंदा कबरां विच पैंदियां सने, जिंदा कबरां विच पैंदियां सने, आका आए ते बेटियां कहंदियां सन, जिंदा कबरां विच पैंदियां सन, आका आए ते बेटियां कहंदियां सन, आका आए ते बेटियां कहंदियां सन, की कहंदियां सन, तेरा आवना साडे कम आया, तेरा आवना साडे कम आया, वंडने दुखियां दे गम आया। सोना जागी ते शाह के उमम आया, वंडने दुखियां दे गम आया। सोना जागी ते ओ सरदार आए, सोना जागी ते ओ सरदार आए, जिदी कुल कायनात तेरी आया है। सोना जागी ते ओए स्पीकर मेरे मतलब दा नहीं, तुझी ते मेरे मतलब दे, ओ कहो सुभान अल्लाह। सोना जागी ते ओ सरदार आए, सोना जागी ते ओ सरदार आए, जिदी कुल कायनात तेरी आया है, जिदी कुल कायनात तेरे आया है। उम्मत दा बने हाकिम आया, उम्मत दा बने हाकिम आया, वंडने दुखियां दे गम आया। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहि सलातु वसलाम दे आन तो पहला बेटियां दी कदर कोई नहीं सी। मेरे पैगंबर ने आके बेटियां दी कदर सिखलाई। मैं एक वाकिया सुनाना चाहना, शायद अज तो पहले ना सुनिया है। मुस्तदरक लिलहकम दी रवायत, नबी पाक अलैहि सलातु वसलाम दे कोले वफद तमीम आए, अल्लाह को अकबला इन्हां दे अंदर एक सहाबी जिन्हां दा नाम सासा बिन नाजिया रज़ियल्लाहु तआला मेरे पैगंबर नाल इन्ना मुलाकात की थी। मेरे पैगंबर ने इन्हां इस्लाम की दावत दी, सारे वफद वाले कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। हज़रत सासा बिन नाजिया रज़ियल्लाहु तआला मेरे पैगंबर के करीब हो गए, कहते ने सुनो एक गल तो दसो ना, जड़ियां दौरे जाखलीयत दियां नेकियां ने उन्हां दा भी को फायदा होएगा कि नहीं। मेरे पैगंबर फरमाते ने किस नेकी की गल करने, ये कहंदे नबी पाक दे सहाबी ने अपना वाकिया बयान किया, सुनिया डे सोने ते आण तो पहला रब दे हालात किवें दे सन,
सोने दे आन तो पहला बेटियां नाल किन्ना जुलम कीता जांदा सी। नबी पाक नूं कहंदा सोणिया मेरियां दो ऊंटनियां गुम हो गईयां ने, मैं तलाश दे अंदर निकलिया, इंज रात पै गई है, चलदियां चलदियां मैनूं दो मकान नजर आए ने। एक मकान दे अंदर मैं इजाजत लैके दाखलिया, उत्थे एक बजुर्ग बैठे ने। इन्हां बजुर्गां दे नाल मेरी गप शप शुरू हो गई है, गलबात शुरू हो गई है, क्योंकि मैं रात इत्थे रुकना चाहुंदा सां। मैं अपनियां ऊंटनियां दी तलाश दे अंदर निकलिया वा। अल्लाह को अकबर इंज गल्लां करदियां करदियां इन्हां बजुर्गां दे घर दे अंदर आवाज़ आई है, मुबारक होए घर दे अंदर बेटी पैदा हुई है। अल्लाह को अकबर ते बुजुर्ग कहन लगे नु गड़ा कढ़ के ते दब दियो, दफन कर दियो। सासा बिन नाजिया रज़ी अल्लाह खुदान को फरमांदे ने बुजुर्गो की पै कर दियो, ये जमदी बच्ची नू जिंदा दरगोर कर दे पे हो, इंज करो ना इनू जिंदा दरगोर ना करो, मैनू फरोखत कर दियो। फरमांदे ने दो ऊंटनिया ते एक ऊंट जिदे ते मैं सवार हो करके आया, इन्हां दे बदले दे अंदर मैं बच्ची नू खरीद लिए। अल्लाह हू अकबर। ला नबी पाक ने सलातो सलाम दे आन तो पहला तियां नू जमदियां इंज करके गड़िया दे अंदर सुट दिता जांदा सी। फरमांदे ने सोणिया ऐ मैं इंज दा अमल तकरीबन 360 बच्चियां नल कीता है। सोनिया जमदियां तियां नू जिंदा दरगोर होने तो बचाए, मेरे घर दे अंदर तकरीबन 360 बच्चियां पलियां ने। चाहे मेरा अमल अल्लाह अपनी बारगाह दे अंदर कबूल करेगा। मेरे पैगंबर फरमांदे ने सासा तू कलमा पढ़ ले, कलमा पढ़न दे बाद अल्लाह ताला हर नेकी दा अजर अता करेगा। इस हदीस दे अंदर दो बातां दा पता चल दे, एक ते जिन्नी देर तक जड़ा बंदा मुसलमान नहीं हुंदा उन्नी देर तक ओदी कोई भी नेकी कमाणी, उन्नी देर तक कोई भी नेकी कमाणी। ए कई बंदे यूरोप जाते हैं ना, उतों दी आण के मसालां देंदे ने, जनाब वो बड़े नेक ने, वो बड़े चंगे काम करते ने, फलां काम करते ने, फलां काम साढ़े नालों चंगे ने। ऐ ना क्या करो साडे नालों चंगे ने, और साडे नालों चंगे किवें हो सकते ने? अल्लाह दा साडे ते एहसान है, उस रब ने सानू मुसलमान बनाए, जिदी जिंदगी दे अंदर जिदे मुकद्दरां दे अंदर कलमा नहीं होया उहदे ओ मुसलमान नालों किवें चंगा हो सकदे? मुसलमान ही चंगे, करतूतां भैड़ियां ने अलग गल, लेकिन अल्लाह ने मुसलमान नूं शाम दित्ते। ए कलमे दी बड़ी बरकत ने, अल्लाह कलमे तो बगैर भावें बंदा 70 हज वी कर लवे उन्हां हजां दा मुल पैणा नहीं पैणा। ते दूसरी गल ए वे नबी पाक दे आण तो पहला जिंदा बच्चियां नूं दरगोर कर दिता जांदा, और कुरान कहंदा पे फरमाया वा इज़ल मौदतु सुइलत बे अय्य ज़म्बिन कुतिलत। इत्थे अल्लाह फरमांदे ने वा फरमाया जो इन्हां नूं पता चल जांदा घर दे अंदर बेटी पैदा हो गई है, ते बेटी दा नां सुन के इन्हां दे चेहरे काले हो जाया करदे सन। ये किन्हां दी गल हो रही है? अरब दे जाहलां दी गल हो रही। किन्हां दी? अरब दे जाहलां दी गल हो रही है। ते जिहड़ा अज भी बेटी पैदा होण ते परेशान होए, वह फिर पढ़िया लिखिया ते ना होया ना। मैं अल्लाह दी कसमे मस्जिद दे अंदर बावजू बैठा वा, कई ऐसे डाक्टर वेखे ने जिन्हां दे घर दे अंदर दूसरी बेटी पैदा हो जाए तो बीवी नूं तलाक दे के घरों कढ छड़ दे। मैं कहना तेरी PhD का की फायदा, जे तेरी PhD तेन इंसानियत ही नहीं सिखा सकी। तेरे जज की कुर्सी ते बैठन का की फायदा, जे तेन जज वाली डिग्री इंसानियत ही नहीं सिखा सकी। और तेरी वकालत की कुर्सी ते बैठन का की फायदा, जे तेरी चैंबर की कुर्सी तेन इंसानियत की कदर नहीं सिखा सकी। जेड़ा बेटी की पैदाइश से मूँह मत्थे नक वट पाते, अल्लाह की कसमे ओ बेटी तो नफरत नहीं करता, रब की तखलीक ते रब की तकसीम तो नफरत करता। जेड़ा रब की तखलीक ते रब की तकसीम तो नफरत कर दे, उहदे नाल वड्डा को बदबख्त हो सकता? उहदे नाल वड्डा को बदनसीब हो सकता? नहीं हो सकता। मेरे सोने ने आके दसिए कायनात दे लोगो, बेटियां जहमत नहीं होंदियां, बेटियां रहमत होंदियां ने। फिर कायनात दे लोगो बेटियां बेटे देने वाला कौन है?
ਜਰਾ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਬੇਟੀਆਂ ਬੇਟੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਆ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਧੀਆਂ ਜੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਏ, ਇਸ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਏ। ਬੇਟੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੇਟੇ ਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬੇਟੀਆਂ ਬੇਟੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਆ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਬੇਟੀਆਂ ਬੇਟੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਇੱਧਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਝੰਗ ਚਨਿਓਟ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਕਸਮੇ ਮੈਂ ਬਾਵਜੂ ਬੈਠਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰੀ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੋਕ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਹਾਲਤ, ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜ਼ਲਾਲਤ, ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁਮਰਾਹੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਸ ਜਲਸਾ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਮਹਿਫਲੇ ਨਾਤ ਕਰਾ ਲਈ, ਮਹਿਫਲੇ ਮਿਲਾਦ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ 10 ਨਾਤ ਖਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸੱਦ ਕੇ ਨਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਈਆਂ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ 5-7 ਖਤੀਬ ਸੱਦ ਕੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਾ ਲਈਆਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਖਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਨਾ, ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਯਹੂਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਈਸਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮਜੂਸੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀਆਂ ਤਲੀਮਾਤ ਕਿਆ ਨੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਲਾਈਏ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ। ਹਬੀਬ ਅਕਬਰੀਆ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਸੀਨਾ ਪਾਕ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨਾਦਲ ਫਰਮਾਇਆ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਊਜ਼ੁ ਬਿੱਲਾਹਿ ਮਿਨਸ਼ ਸ਼ੈਤਾਨਿਰ ਰਜੀਮ, ਲਿੱਲਾਹਿ ਮੁਲਕੁ ਸਮਾਵਾਤਿ ਵਲ ਅਰਦ, ਯਖਲੁਕੁ ਮਾ ਯਸ਼ਾਉ, ਯਗ੍ਬੁ ਲਿਮਨ ਯਸ਼ਾਉ ਇਨਾਸਾ, ਵਯਗ੍ਬੁ ਲਿਮਨ ਯਸ਼ਾਉ ਅਜ਼-ਜ਼ੁਕੂਰ, ਔ ਯੁਜ਼ਵਿਜੁਹੁਮ ਜ਼ੁਕਰਾਨੰ ਫਰਮਾਇਆ। ਜ਼ਮੀਨੋ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਗੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਏ ਤੇ ਕੱਲਾ ਏ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਆਰਜ਼ੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ? ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਲੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਿਹਦੀ ਏ? ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤਾਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਆਰਜ਼ੀ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਯਖਲੁਕੁ ਮਾ ਯਸ਼ਾਉ, ਮੈਂ ਜੋ ਚਾਹਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਚਾਹਵਾਂ ਤੇ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਚਾਹਵਾਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਚਾਹਵਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਚਾਹਵਾਂ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨੱਕ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਚਾਹਵਾਂ ਤੇ ਫੀਨੇ ਨੱਕ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਚਾਹਵਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਚਾਹਵਾਂ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਯਾਰ ਬੋਲੋ, ਖਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਖਾਲਕ ਅੱਲਾ ਏ, ਖਾਲਕ ਅੱਲਾ। ਖਾਲਕ ਦਾ ਮਾਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤਖਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਅੱਲਾ ਤਖਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਏ। ਅੱਗੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵਜ਼ਾਖਤ ਫਰਮਾਈ, ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਖਬੁਲੀ ਮਈ ਅਸ਼ਾਉ ਇਨਾਸਾ, ਯਾ ਖਬੁਲੀ ਮਈ। ਉਹ ਬੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਐਤ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਔਲਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੱਲ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਏ। ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਖਬੁਲੀ ਮਈ ਅਸ਼ਾਉ ਇਨਾਸਾ, ਮੈਂ ਚਾਹਵਾਂ ਤੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਯਾ ਖਬੁਨੀ ਮਈਆ ਸ਼ਾ ਉਜ਼ਕੂਰ, ਮੈਂ ਚਾਹਵਾਂ ਤੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਓ ਯੂਸਫ ਮਿਜੁਹੁਮ ਜ਼ੁਕਰਾਨੰ ਵੈਨਾਸਾ, ਰੱਬ ਚਾਹੇ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਬੇਟੇ ਰਲਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਓ ਵਾਇਆ ਜਾਲੂ ਮਈਆ ਸ਼ਾ ਉਹ ਅਕੀਮਾ, ਰੱਬ ਚਾਹੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਇਨਾ
अली मन कदीर और रब जानन वाले कुदरत रखन वाले किन्नू बेटे देने ने किन्नू बेटियां देनिया ने किन्नू बेटे ते बेटियां रला करके देनिया ने ये सारा इख्तियार किदा है अल्लाह दाए फिर मुसलमान दा कक बन दे जिन्हें नबी पाक दा कलमा पढ़े रब बेटी देवे फिर भी मुहब्बत करनी है रब बेटा देवे फिर भी मुहब्बत करनी है अल्लाह को अकबला आइए एक और हदीस तुहाडे सामने बयान करा सही बुखारी दी रवायत है सज्जिदा आयशा रदी अल्लाह गुतान का बयान कर दिया ने एक दिन दरवाजा खड़किया मेरे वाल वेखी 38 SP पाक बदन दे आबासिया नबी पाक ने किड्डे सोहणे अंदाज नाल अपनी मदियां रहनुमाइयां कर दितियां ने मां आयशा फरमांदियां ने मैं वेखियां की है एक काले जे रंग दी औरत इन्हे दो बच्चियां उठाइया ने मैनू कहदी आयशा कुछ खाण नू है ते दे देना मैं भी भुखियां ते मेरियां बच्चियां भी भुखियां ने एक रवायत दे मुताबक इको खजूर मिली है एक रवायत दे मुताबक दो खजूरां मिलियां ने इस बीबी ने खजूर दे दो टुकड़े किते ने एक टुकड़ा उस बच्ची दे मुँह दे अंदर डाल दिते दूसरा टुकड़ा उस बच्ची दे मुंह दे अंदर डाल दिते खजूर मां ने बच्चियां नू खिला दितिए पर आप खाई आप नहीं खाई ए मां दा जिगर ए मां दा गौसले अज तेरे अंदर कितों सला जांदे बेगम वास्ते फ्रूट लै जाने ते मां दा हाल भी नहीं पुछदा अल्लाह को ए मां दा हौसले जिने अपना पेट भुखियां रख के ते अपने बच्चियां नू खिला दिता है अपनियां बेटियां नू खिला दिता है मां आयशा रदी अल्लाह गुतान का फरमांदियां ने ए बीबी ते चली गई है मैनू परेशान करके चली गई है इधर मेरे पैगंबर तशरीफ लैके आए अम्मा आयशा परेशान परेशान नजर आंदियां ने आप फरमांदे ने आयशा की गल सुने इंज बीबी आई है उन्हें अपनी बच्चियां नाल मुहब्बत की है उस मां की ममता ने आयशा नू परेशान करके रख दिता है मेरे पैगंबर फरमांदे ने आयशा सुन ना मनी बतू ने नगा दिल बनाती भी शईन वा आख सनाई लई खिंदा कुन्ना लगु सिदर मिनन्ना आप फरमांदे ने आशा जेड़ा बंदा बेटियां दी वजह करके अजमाया गया वेखिया जे जेड़ा बंदा तियां दी वजह करके अजमाया गया 38 वाले आओ तू सवाल करेगा बंदा बेटियां दी वजह करके किवें अजमाया जांदे अल्लाह ना करे लख वार ना करे ओ किसे दी बेटी नू तलाक हो जे ते मापियां दा जीना मुश्किल हो जाया कर दे अल्लाह ना करे किसी की बेटी दुखी होए ते मापियां दे अल्लाह दी कसम रातां दियां नींदरां मुक जांदियां ने मां बाप करवट भी बदलदे ने ते कहंदे ने अल्लाह मेरी धी नूं सुख अता फरमाओ अल्लाह मेरी बेटी नूं सुख अता ते इस दौर दे अंदर ते बेटियां और इम्तिहान बन गईयां ने जिस दौर दे अंदर बेटी जवान हो जाए ते बाप नूं फिकरां लग जांदियां ने अल्लाह हू अकबर अल्लाह बेटी जवान हो गई है कितों 10 लख दा जहेज बणावा कितों इन्ने पैसे लै करके आवा जिन्ना नाल मेरी बेटी का निकाह हो जाए हाए जिन्नी देर तक बाप 10 लख दा जहेज नहीं बना लेंदा उन्नी देर तक बाप अपनी बेटी का निकाह नहीं कर सकता एडा जालम जमाना है एडे संग दे लोग ने अज बेटी का रिश्ता वेखण आते ने ते लम्मिया लम्मिया लिस्टा लैके आ जाते ने जनाब सानू जनाब यह भी चाहिए जहेज के अंदर यह भी चाहिए जहेज के अंदर मोटरसाइकिल चाहिए है बैड चाहिए है सोफे चाहिए ने मैनु कायनात दे रब की कसमे 38 वालियो मेरी इस बात नाल तुसी पूरा इतफाक करोगे मैं इंज दे भी मापे वेखे ने जिन्हें अपनी जिंदगी के अंदर कदी फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीता पर धी वास्ते मजबूरन फ्रिजा खरीदनिया पैंदियां ने जिन्हें सारी जिंदगी अपनी जिंदगी अंदर कदी बैड ते लेट के नहीं वेख्या टुटियां चार पाइया ते गुजारा कर दिते ते मजबूरन धी वास्ते महंगे महंगे बैड बनाने पेंदे ने इंज दे भी मापे वेखे ने जिन्हां दी जिंदगी दे अंदर घर दे अंदर कदी प्लास्टिक दियां कुर्सियां भी नहीं आईयां पर तियां वास्ते महंगे महंगे सोफे खरीदने पैंदे ने ते फिर भी जालमो जांदे हो बेटी दा रिश्ता लैण वास्ते लिस्टां लैके चले जांदे हो और जिस बाप ने 20-22 साल पाल करके संभाल करके ला इलाहा इल्लल्लाह दे नाम ते तेरे नाल बेटी तोर दित्ती है ओहदे कोल होर की लैणा चाहना है ओए कोई
कोई तिया किसी के नाल नहीं टोरदा, ये तो इस्लाम का पैगाम है। वरना कोई बाप अपनी बेटी अपनी अखा तो दूर ना करता। जिस बाप ने तेन बेटी दे दी है को जहेद का मुतालबा कर लग्या, शर्म करया कर। बेटियां ते रहमत सन मुसलमाना जख्मत बना दितिया ने। अल्लाह दी रहमत हुंदिया ने, अल्लाह दी रहमत हुंदिया ने, अल्लाह दी रहमत हुंदिया ने। दिया ते परानियां हुंदिया ने, एजाज ते इज्जत हुंदिया ने, एजाज ते इज्जत हुंदिया ने। बैगना ते परानियां हुंदिया ने, अल्लाह दी रहमत गुंदिया ने। मां नाल वफावां कर दियां ने, बाबा ली दुआवां कर दियां ने। मां नाल वफावां कर दियां ने, बाबा ली दुआ। मैं वेखिए बच्चा दो ढाई साल दे, इहदे हाथ हरकत करदे ने ते बाप दी दाड़ी नूं पकड़ लैंदे। ते सदके जावां बेटियां दे हाथ हरकत करदे ने ते दो ढाई साल दी उम्र दे अंदर वी हाथ चुक के मापियां वास्ते दुआवां मंगदियां ने। ये धियां दे दिल ही रब ने ऐसे बनाए ने। अल्लाह ने बेटियां दे कलेजे इंज दे बनाए ने। मां नाल वफावां कर दियां ने, बाबा ली दुआवां कर दियां ने। मां बाप दी हिम्मत हुंदियां ने, धियां ते परौणियां दियां ते परौणियां खुंदियां ने, दियां ते परौणियां खुंदियां ने। ना शिकवा करनी तकदीरां दा, बड़ा माण इन्हां नूं वीरां दा। मैं इंज दियां वी बेटियां वेखियां ने जिहड़ियां अपने घरां दे अंदर बड़ियां दुखी ने, लेकिन अपने मापियां नूं आ के नहीं दसदियां कि ते मेरा बाबा दिल दा मरीज है, मेरा दुख सुन के परेशान ना हो जाए। अपनी माँ नूं अपने दुख नहीं सुणांदियां कि ते मेरी माँ और परेशान ना हो जाए। अपने भरावां नूं अपने दुख नहीं सुणांदियां, कहिंदियां ने मेरे वीर बड़े गुस्से वाले ने, अगर इन्हां पता लग्या तो घर के अंदर लड़ाइयां बन जाणगियां। अपने दुख अपने दिलों के अंदर लैके कब्रां के अंदर टुर जांदियां ने, पर मापियां दे अगे शिकवा नहीं करिया करदियां। ओए ना शिकवा करनी तकदीरां दा, बड़ा माण इन्हां नूं वीरां दा। वीरां दी गैरत हुंदियां ने, वीरां दी गैरत हुंदियां ने। धियां ते परौणियां, धियां ते परौणियां खुंदियां ने। मेरे वल ध्यान करो, तवज्जो करो, बड़ा प्यारा जुमला पढ़न वाला वा। ए लैके आउंदियां रहमतां वी, बाबा दे रिज़्क़ च बरकतां वी। बड़ियां खुश किस्मत हुंदियां ने, धियां ते परौणियां हुंदियां ने। ते मां बाप नूं आण छुड़ाण गियां, दोज़ख तो आण बचाण गियां। दोज़ख तो रुकावट हुंदियां ने, धियां ते परौणियां खुंदियां ने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मेरे वर वेखिया डे, ध्यान करिया डे। ऐ जड़ा बंदा अपनी बेटी दा रिश्ता कर दे, बेटी नूं टोर दे, ओनू पता हुंदा बेटी नूं तोरना किड्डा मुश्किल हुंदा है। धियां नूं घरों रुखसत करना बड़ा मुश्किल होया कर दे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फिर बेटी दा जिगरा वेखो, बेटी दा हौसला वेखो। एक जगह ते 25 साल पली है, एक जगह ते 20, 22, 25 जितनी भी उम्रदार सा निकाह तो पहला अपने बाबा दे घर दे अंदर लाडा नाल पलीए, नाजा नाल पलीए, नखरिया नाल पलीए। निकाह हो गए, अपने ससुराल चली गई है, तो दूसरे दिन ही इहदे कम्मां ते इहदे अंदाजे गुफ्तगू ते इहदे बैठन उठन ते ससुराल वाले गल्लां करना शुरू कर देंदे ने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह
ओ मेरे भाई, ओ मेरी बहन, ओ मेरी माँ, ये अपने बाबा दा घर छड़ के आईए, इनू इस माहौल दे अंदर थोड़ा एडजस्ट होन लगिया, वक्त ते लगेगा, को थोड़ा वक्त ते दियो। ओ तुसां भी बेटियां जमियां ने अपनियां धियां दा दुख नहीं बर्दाश्त करदे, ते लोगां दियां बेटियां नहीं होंदियां। अल्लाह जे जनाब किसे दी बेटी दा खावंद उन्हों इज्जत करे ते लोग कहिंदे ने बड़ा चंगा है, कहिंदे ने लोग बड़ा बड़ा चंगा है। ते अगर अपना बेटा किसे दी बेटी नू इज्जत देवे, अपनी बीवी नू इज्जत देवे, ते कहिंदे ने जी रन मुरीद हो गया, दोहरा मियार क्यों? अपनी बेटी वास्ते एडा वड्डा फैसला के जनाब साडा दमाद बड़ा चंगा है, साड़ी बेटी की बड़ी इज्जत कर दे, साड़ी बेटी नाल मशवरा करके हर काम कर दे, ते जदों अपने बेटे की वारी आती की करिए जी, छड़ो जी, ए जदों की साड़ी नौ आई है साड़ी ते गल ही नहीं सुनता, ए रन मुरीद हो गई है। और मेरे भाइयो दोहरा मियार इस्लाम के अंदर नहीं, अगर अपनी बेटी की इज्जत देखना चाहते जे किसी की बेटी नूं इज्जत देनी चाहिए है। इस्लाम ने इज्जत दी है तो जो करना। हबीबे करीम जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक ने फरमाया मनी बतुलिया मिन खाजी गिल बनाती बेशयन, जिहड़ा बंदा बेटियां दी वजह करके अजमाया गया, अजमैश के बावजूद भी वा आखसाना इलई गिन्ना, बेटियां नाल चंगा सलूक कर दे, बेटियां नाल अच्छा सलूक कर दे। नबी पाक फरमाते ने कुन्ना लाहु सिदर मिनन्नार, एको बेटियां कयामत वाले दिन मां बाप वास्ते जहन्नम दे अगे दीवार बन जाणगियां, जहन्नम दे अगे पर्दा बन जाणगियां। मतलब बेटियां अपने मां बाप दे हक दे अंदर रब दी बारगाह दे अंदर सिफारिश करनगियां, अल्लाह कबूल कर लवेगा। मैनू एक वाकिया याद आ गई है, बतौरे तरगीब तुहानू सुनाना चाहना। मरकी जमीयत अखले हदीस सऊदी अरब दे अमीर मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद हाफिज़हुल्लाह तआला, उन्हें एक किताब लिखी है सुनहरियात, उसके अंदर एक वाकिया नकल किया है, लिखते ने एक बंदा अल्लाह ताला नूं पांच बेटियां अता कीतियां, किन्नियां पांच बेटियां अता कीतियां ने। जदों भी बेटी पैदा होंदी है बीवी नूं मार दे, तशद्दुद कर दे, जुलम कर दे, अल्लाह दा करना छेवीं मरतबा बीवी उम्मीद ना लोईए ते कहण लगे अगर हुण बेटी पैदा होई ते मैं घरों कढ छड्डणे, अल्लाह दा करना अल्लाह ने छेवीं मरतबा भी बेटी अता कीती है। रात दा वक्त है, अठत्ती वाले हो पाक पतन वाले हो दागिर तुआण वाले हो, बड़ी काबिले तवज्जो बात है, रात दा वक्त है, इधर बीवी जनाब बच्चे नूं जन्म दिता है, उधर खावन दियाँ सख्तियाँ, ऐ को छोटी जी गल नहीं, बेटा पैदा करना छोटी जी गल नहीं, औलाद नूं जन्म देना छोटी जी गल नहीं। मैनूं हदीस याद आई सुनावा ताकि एहसास पैदा हो जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बैतुल्ला दे मताब दे अंदर बैठे ने, एक जवान ने अपनी माँ नूं कंधियां ते उठाए ते बैतुल्ला दा तवाक करदा फिर दे, हज़रत अब्दुल्ला दे कोल आ गए, कहण लगे अब्दुल्ला जी मेरे वल वेखो, जिवें अज मैं अपनी अम्मी नूं कंधियां ते उठाए, अज तो पहला कई मरतबा मैं अपनी मां नूं कंधियां ते उठा के बैतुल्ला दा हज करवा चुके हां, क्या मैं अपनी मां दा हक अदा कर दिता है? हजरत अब्दुल्ला फरमा तेरे जवाना तू हक अदा करन दी गल करने, तू ते अपनी मां दा ओ वी हक नहीं अदा कर सकिया जिहड़ा तेरी मां ने तैनू जन्म देन लग्या तकलीफ बर्दाश्त कीती सी। ए जन्म दियां तकलीफां, वज़ह हमल दियां तकलीफां बड़ियां वड़ियां तकलीफां ने, इधर वज़ह हमल दी तकलीफ और कमजोरी, उधर खावन दियां झिड़कां, उधर खावन दियां ज़ियातियां, ते इंज करके कायनात दे लोग जिन्हां दा जमीन ते कोई नहीं हुंदा उन्हां दा अरशां ते अरशां दा रब रहमान होया करदा है। इधर जालम लड़दा लड़दा बीवी दे नूं मंदे बोलदा बोलदा सौं जांदा है, ख्वाब दे अंदर मौत वाकई हो गई है, फरिश्तियां पकड़ियां जघन्नम वल लै के जा रहे ने, पहले दरवाजे ते पहुंचे ने, ते पहली बेटी कहिंदी अल्लाह मैं अपने बाबा नूं जघन्नम
जहन्नम दे अंदर नहीं जान देना। अल्लाह ने नदी सिफारिश कबूल कर लिए। इन्हें पकड़िया फरिश्तियां दूसरे दरवाजे ते, तीसरे ते, चौथे ते, पंजवें ते, छेवें ते। अल्लाह को अकबला बेटियां सिफारिशां कर दियां जांदियां ने, अल्लाह कबूल कर दे जान। छठे दरवाजे ते पहुंचे ना वो मासूम दी बच्ची जिदी पैदाइश से अपनी बीवी ते जुल्म ते करदा सी। ये छोटे जे हाथ चुक के कहंदी अल्लाह मैं अपने बाबा नू जखन्नम दे अंदर नहीं जान देना। अठत्ती वाले इतने जखन्नम की आगे तिया को मापिया के पैरों का कंडा भी नहीं बर्दाश्त होंदा, तिया को मापिया के दुख नहीं बर्दाश्त होंगे। इन्हों अपने घर के जितने भी सुख हो, इन्हां नूं अपने घरां दियां जितनियां वी खुशियां होण, इन्हां दे हत्थ उठदे ने ते दुआ करदियां अल्लाह मेरे मापिआं दी खैर होवे, अल्लाह मेरे वीरियां दी खैर होवे। इह कहण लगी अल्लाह मैं अपने बाबा नूं जखन्नम दे अंदर नहीं जाण देना। रब ने दी वी सिफारिश नूं कबूल कर लिए। हुण फरिश्तियां पकड़े जखन्नम दे सतवें दरवाजे ते लै के आ गए ने। इंज दरवाजा खुला है, सामने अग नज़र आई है, अख खुल गई है ते उठ के वजू करके सजदे ते अंदर पै गए। रोम दरवाजे बंद हो जान। बेटियां कयामत वाले दिन अपने मापिया वास्ते जखन्नम दे पर्दा बन जाणगियां, जखन्नम दे दीवार बन जाणगियां। यार गल्लां बड़ियां करन वालियां ने। अल्लाह की कसम बेटी की इसमत ते बेटी की तरबीयत एडा लंबा उनवान है, मैं को तुहानू अपनी तकरीर पवाण वास्ते गल नहीं सुना लग्या। कम अज कम मैं ताले बिलम बेटी की इसमत ते गुफ्तगू करा दो ढाई घंटे लग सकते ने, लेकिन मैं बात एक तसार नाल मुकाना चाहना वा। अल्लाह ने बेटी नूं बड़ा मुकाम दिता है, अल्लाह ने बेटी नूं बड़ा शान दिता है। कई बंदे कहंदे ने मौलवी जी की करिए, बेटियां दा की करना है, नावे ते बंदे दे पुत्रां नाल चलदे ने। पिछले हफ्ते दी गल, मैं गुजरांवाले दे इलाके दे अंदर एक घर दे अंदर गया। मेरे बड़े चाहन वाले, मनण वाले, मुहब्बत करन वाले, प्यार करन वाले ते माँ आई है ते अपने बेटे दा नाम लैके रो पई है। मैं क्या अम्मा जी क्यों पै रोंदे हो? कहंदी है कारी साहब अल्लाह ने मेरे बेटे नूं तीन बेटियां दित्तियां ने, ते जदों मैनू अपने बेटे बेटा याद आंदा है, जदों मैं अपने बेटे दा चेहरा वेखदी हां ते मैं परेशान हो जानी हां। मेरे बेटे नूं रब ने बेटा नहीं दिता, बेटियां ही दित्तियां ने। यार छोटे ज़ेन ना करिया करो, छोटियां गल्लां ना करिया करो। रब चाहे ते पुत्रां दे नाल नावां चमका देवे, रब चाहे ते धीआं दे नाल नावां चमका देवे। अल्लाह को अकबला ऐ वेखिया नहीं, ऐ अल्लाह दे पैगंबर ने। अल्लाह ने पुत्र कोई नहीं दिता, बेटियां दितियां ने, नाल बेटियां दितियां ने ते नाल पैगंबर ने तियां दी तरबियत कर छड़ी है। अल्लाह को आया कई ते बेटियां नू चंगा ही नहीं समझदे ते कई बेटियां नू इन्ना को चंगा समझदे ने, उन्हां दी तरबियत करना भुल जांदे ने। जिवें अल्लाह ताला ने बेटी नू मुकाम दित्ते, एवें मां बाप वास्ते बेटी दियां जिम्मेदारियां भी उतनियां बड़ियां ने। जिवें इज्जत बड़ी है, एवें तरबियत भी जरूरी है, क्योंकि एक बेटी समर जाए एक नस्ल समर जांदी है। एक बेटी समर जाए ते एक जे एक बेटी बिगड़ जाए ते एक नस्ल बिगड़ जांदी है। क्यों जी बुजुर्गो? इंजी है ना, सियाणे पहले रिश्ता वेखण जांदे सन ते पता करदे सन ये जिहड़ा जिहड़ी बच्ची दा सी रिश्ता वेखण वास्ते आया उहदी मां दा किरदार कैसा है। क्यों जी? इंजा है कि नहीं? जदों रिश्ता वेखण जांदे सन ते की वेंदे सन? इस बच्ची दी मां दा किरदार कैसे, इन्हां दा पिछला खानदान कैसे। पर अफसोस हुण असीं रिश्ता वेखण जाने आ, दुकानां वेहने आ, मकान वेहने आ, कोठियां वेहने आ, बंगले वेहण, सारा कुछ वेख लैने आ, दीन विंदे बोलो ऐसी दीन दे ठेकेदार हाँ। पहले सब दा नमाजी है ते मुंडे दा रिश्ता वेखण गया है ते अगो घर को माड़ा निकल आए, घर माड़ा निकल आए ते बच्ची माशाल्लाह नमाजी भी है, पर्दा भी कर दी, हाफजा भी है, कारिया भी है, आलमा भी है, लेकिन रिजैक्ट कर कहिंदा जी मेरा ते इन्हां दा स्टेटस नहीं मिलदा, मेरा ते इन्हां दा हाय
जिस कौम का स्टेटस दुनिया हो जाए, वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़नका। और जिस कौम का स्टेटस दुनिया होए, दीन ना होए, कुरान ना होए, नबी दी हदीस ना होए, पर्दा ना होए, गैरत ना होए, नमाज ना होए, हया ना होए, ओ कौम इंजी जलील होंदी है जिवें असी जलील होंदे पए आ। मेरे भाई गौर कीजिए अपनियां दावां ते, बेटी दा रिश्ता करन लगियां, बेटे दा रिश्ता करन लगियां, असी दीन दा इंतखाब नहीं दे करदे, दीन वल जे नहीं वेंदे। अल्लाह अकबर, बाप दूर ना निकल जाए। मैं जिहड़ी गल कर रहा सां, गौर करना, जिवें बेटी की असमत बड़ी है, इवें बेटी की तरबीयत करना भी जरूरी है। अल्लाह अकबर, गौर करना। हबीब अकबरिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगता था कि मोहब्बत प्यार दरूद पाक पढ़ो जनाब मुहम्मद। सिर्फ मैं 10 तो 15 मिनट और गुफ्तगू करनी, गल मुका देनी है, ध्यान करया जे, तवज्जो करया जे। अल्लाह ताला ने मेरे पैगंबरी सलातों सलाम दे सीना पाक ते कुराने पाक नादल फरमाए, ते अल्लाह ने बेटियां दा जिक्र फरमाए। अल्लाह फरमांदे ने, फरमाया आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलम्मा तवज्जा तिलका अमदियन काला सा रब्बी अय्यखदियनी सवा असबील वलम्मा वा अबूना शैखुन कबीर। अल्लाह दे पैगंबर हजरत मूसा चलते चलते मदीन के इलाके के अंदर गए ने, वा वाजा दा मिन दूनी गिम मुरात ही नी तजूदान। दो बच्चियां नू वेखे, दो औरतां नू वेखे, दो खवातीन नू वेखे, अलग थलग खड़िया ने, ते अल्लाह दे पैगंबर करीब चले गए ने। कह लगे, भैनो की गल, तुसी अपने जानवरों नू पानी नहीं पिला रही? को अड दा जवान बदबखत हुंदा, कल्ली तुरी जांदी, किसे बेटी दा दुपट्टा खिंच लैंदा, अड दा को बदबखत जवान हुंदा। मैं को सोशल मीडिया ते वीडियो वेखी है, तुसा भी जड़े अहबाब फेसबुक यूट्यूब यूज करते ने उन्हें वेखी होनी है। एक जनाब मजूर अम्मा है, ते बेटी उन्हें व्हील चेयर ते जनाब लै करके जा रही है। एक बदबखत है, उन्हें जनाब इस बेटी का परस छीनी है ते निकल गया है। एडे बदबखत हो गए ने लोग, एडे जालम हो गए ने कायनात दे लोग। ऐ बेटियां अलग थलग अपने जानवरों लैके खड़िया ने, अल्लाह दे पैगंबर कोल चले गए। भैनो की गल है, तुसी अपने जानवरों को पानी नहीं पिला रही? इन्हें सारी गल सुनाइए, अल्लाह दे पैगंबर ने इन्हों के जानवरों को पानी पिला दो। वाकया तुसी सुनते रहते हो, लेकिन मैं मिसाल दे के गल अगे चलाना चाहना वा। पानी पिला दिता है, बीबियां अपने घर टुर गई ने, अज वक्त तो पहला चलिया गई ने, अज बच्चियां पहले वक्त तो अपने घर चलिया। बाप कह लगे, बेटा की गल, अज जल्दी आ गई जे। अल्लाह को अकबल्ला ते तियां बोल करके कहें, अब्बा जी अज सानू एक नेक इंसान मिल गया, अल्लाह वाला मिल गया, जिन्हें साढ़े जानवरों को पानी पिला दिता। तो हजरत शुएब बाद ने लिखिया नबी सन, तो बाद ने लिखिया अल्लाह के नेक बंदे सन। अल अपनिया बेटिया कह लगे, धीओ बुला के लिया उस नेक बंदे मेहनत की मौजी जनाब मेहनत की मजदूरी दी जाए। माशाला आहलन साहलन मरहबा खतीब इस्लाम हजरत मौलाना कारी अब्दुर्रज़ाक ताहिर साहब हाफिज़ुल्लाह तशरीफ लै ज़ियारत करो, ते तवज्जो मेरे वाल करो। हबीब अकबरिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलातो सलाम दे सीना पाक ते अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाजल कीते। इधर गदर ते मूसा दरखत दे साए दे नीचे बैठे ने, ते उधर बेटी हजरत मूसा ने सलातो सलाम नु बुलाण वास्ते आई है। मेरे वल वेखिया जे, गलत लोग कहिंदे ने बेटियां नाल नावें चमकदे ने, अल्लाह दी कसम किरदार चंगा होए ते अल्लाह धीआं नाल ही नावें चमका दिंदा है। अल्लाह को अकबर, इंज बेटी
ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ ਓਏ 38 ਐਸਪੀ ਦੀਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਤਰਬੀਅਤਾਂ ਕਰਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹਿਣਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਬਣ ਜਾਏ ਇਹ ਬੇਟੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀਏ ਇਹ ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਇਹਨੇ ਪਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਚਾਦਰ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਹੈ ਇਹਨੇ ਖਿਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਨਿਕਾਬ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ ਕਿਵੇਂ ਢਾਂਪੀਏ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਐਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਪਾਜਾ ਇਹਦਾ ਗੁਮਾ ਤੰਸ਼ੀ ਅਲਸਤੇ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਹਯਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਏ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਬੇਟੀ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਚੰਗੀ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਚਮਕਾ ਛੱਡਦਾ ਏ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਔਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੇ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਖੁਦਾਨਗਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅੱਲਾ ਖੁ ਅਕਬਲਾ ਮੁਨਾਫਕਾਂ ਨੇ ਸਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੰਮਾ ਐਸ਼ਾ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐਸ਼ਾ ਇਨਤ ਮਮਤੀ ਬੇਜ਼ੰਬਿਨ ਫਸਤਗਫਰੀ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹੀ ਤਾਲਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਏ ਤੇ ਅੰਮਾ ਐਸ਼ਾ ਆਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਾਲਾਂ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਨੇ ਇਨਾ ਮਾ ਅਸ਼ਕੁ ਬਸੀ ਵਾ ਹੁਜ਼ਨੀ ਇਲੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖੜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਮ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਵਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਾਂ ਐਸ਼ਾ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਸੂਰਾ ਨੂਰ ਦੀਆਂ 17 ਐਤਾਂ ਅੰਮਾ ਐਸ਼ਾ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਦਲ ਕਰ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਹੁ ਅਕਬਰ ਲਾ 17 ਐਤਾਂ ਨਾਦਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਲ ਖਬੀਸਾਤੁਨ ਲਿਲ ਖਬੀਸੀਨਾ ਵਲ ਖਬੀਸੂਨ ਲਿਲ ਖਬੀਸਾਤ ਵਤੈਬਾਤੁ ਲਿਤੈਬੀਨਾ ਵਤੈਬੂਨ ਲਿਤੈਬਾਤ ਓਲਾ مبرعون مما يقولون لهم مغفرة لهم مغفرة لهم مغفرة ورزق كريم ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨਾਦਲ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਐਸ਼ਾ ਦੀ ਪਕੀਜ਼ਗੀ ਤੇ ਤਹਾਰਤ ਦੇ ਤਜ਼ਕਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਗੰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੰਦੇ ਮਰਦ ਗੰਦੀਆਂ ਮਰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪਾਕ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕ ਮਰਦ ਪਾਕ ਮਰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਓਲਾਇਕਾ ਮੁਬਰਰਾਉਨਾ ਓਲਾਇਕਾ ਮੁਬਰਰਾਉਨਾ ਓਲਾਇਕਾ ਮੁਬਰਰਾਉਨਾ ਕਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਯਾਦ ਆਏ ਵਕੀਲੇ ਸਿਹਾਬਾ ਫਤੀਬੇ ਸ਼ਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਕਾਰੀ ਅਬਦੁਲ ਅਬੀਦ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਲੈ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉੱਚੀ ਅਜ਼ਮਤ ਗਏ ਅੰਮੀ ਐਸ਼ਾ ਦੀ ਰੱਖੇ ਕੇ ਕੋ ਸੁਬਾਨ ਅੱਲਾ ਦੁਆ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੇਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਫਰਮਾਏ ਉੱਚੀ ਅਜ਼ਮਤ ਗਏ ਅੰਮੀ ਐਸ਼ਾ ਦੀ ਉੱਚੀ ਐਸ਼ਾ ਸਿੱਧੀ ਕਾਦਰ ਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਉੱਚੀ ਅਜ਼ਮਤ ਗਏ ਅੰਮੀ ਐਸ਼ਾ ਦੀ ਉੱਚੀ ਅਜ਼ਮਤ ਗਏ ਅੰਮੀ ਐਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰ ਮੂਮਿਨ ਦੀ ਮਾਂ ਦਿਸੇ ਉੱਚੀ ਅਜ਼ਮਤ ਗਏ ਅੰਮੀ ਐਸ਼ਾ ਦੀ ਹੀ ਆਲਾ ਕਾਇਆ ਮੁਗੰਮਦ ਪੈਗਾਮ ਆਇਆ ਹੀ ਅਲਾਕਾ ਹੀ ਅਲਾਕਾ ਹੀ ਅਲਾਕਾ ਹੀ ਅਲਾਕਾ ਮੁਗੰਮਦ ਪੈਗਾਮ ਆਇਆ ਅੰਮੀ ਐਸ਼ਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸਲਾਮ ਆਇਆ
ਤੱਤੀ ਗੀਰੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦੀ ਜੱਗ ਮਗ ਤੱਤੀ ਗੀਰੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦੀ ਜੱਗ ਮਗ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਰੋਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆ ਦਿਸੇ ਉੱਚੀ ਅਜ਼ਮਤ ਗਏ ਅੰਮੀ ਐਸ਼ਾਦੀ ਉੱਚੀ ਅਜ਼ਮਤ ਗਏ ਅੰਮੀ ਐਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸੂਰੇ ਨੂਰ ਦੀ ਜਦ ਵੀ ਤਿਲਾਵਤ ਹੋਵੇ ਅੰਮੀ ਐਸ਼ਾਦੀ ਰੋਸ਼ਨ ਸਦਾਕਤ ਹੋਵੇ ਅਲਖਬੀਸਾਤੁ ਲਿਲਖਬੀਸੀਨਾ ਵਲਖਬੀਸੂਨ ਲਿਲਖਬੀਸਾਤ ਵਤੈਬਾਤੁ ਲਿਤੈਬੀਨਾ ਵਤੈਬੂਨ ਲਿਤੈਬਾਤ ਔਲਾਇਕਾ ਮੁਬਰਰੂਨ ਮਿਮਾ ਯਕੂਲੂਨ ਲਹੁਮ ਮਗਫਿਰਾ ਵਾਰਿਸ ਕੌਣ ਕਰੀਮ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਚੰਗਾ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾਵੇਂ ਚਮਕਾ ਛੱਡਦਾ ਏ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਸੂਰਹ ਨੂਰ ਦੀਆਂ ਤਿਲਾਵਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਐਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਦੀ ਅਸਮਤ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਵਾਂ ਅੱਲਾ ਅਗਰ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਚੰਗੀ ਹੋਏ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਾਵੇਂ ਚਮਕਾ ਦਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਬੂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬੇਟੇ ਤੇ ਚਾਰ ਬੇਟੀਆਂ ਅਤਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਬੇਟੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਚਾਰ ਬੇਟੀਆਂ ਚਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀਆਂ ਜਵਾਨ ਹੋਈਆਂ ਓਏ ਲੋਗੋ ਪੂਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਜੇ ਇਸ ਬਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅਗਰ ਬੇਟੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਮਹਬੂਬ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾ ਅਤਾ ਕਰਦਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਬੇਟੀਆਂ ਅਤਾ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਨ ਬੜਾ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੱਜੀਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮਰਹਬਾ ਵੀ ਬਨਾਤੀ ਮਰਹਬਾ ਵੀ ਬਨਾਤੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਉੱਠ ਕੇ ਧੀ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਡੇਢ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਕੋਟਰਾ ਦਾ ਕਿਸ਼ਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿੰਦਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਤੋਂ 60 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਧੀਏ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਹਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸੱਜਦਾ ਉਮਾਮਾ ਨੂੰ ਕੰਧਿਆਂ 'ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਹਾਬਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਬੇਟੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸੱਜਦਾ ਉਮਾਮਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਧਿਆਂ 'ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਲਾ ਫਿਰ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਲੋਕੋ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਸੱਜਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਤਿੰਨ ਵੀ ਪਾਕ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਨੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਫਾਤਿਮਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਡਏ ਅੱਲਾ ਯਾਦ ਜੇ ਨਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਲੋਕੋ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇੰਜ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤਿੰਜ ਦੇ ਵੀ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖੇ ਨੇ 5-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੜਿਆ ਤੇ ਭਰਾ ਬਿਮਾਰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਪੁੱਤਰਾ ਜਾ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਫਾ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਨਾਂ ਰਲ ਕੇ ਜੰਮਿਆ ਵੀਰ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਨਾਂ ਰਲ ਕੇ ਜੰਮਿਆ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਲੋਕੋ ਭਰਾ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੇਟੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਲੈਣੇ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੱਜੀਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਬੋਲੋ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ
रज़ी अल्लाह खुतान का चल दिया या ने मेरे पैगंबर दी तकलीफ वेखी ना ते सजीदा फातिमा दी जुबान विचों बेसाख्ता निकल गया वाह कर बाबा आए मेरे अब्बा जान कितनी तकलीफ है। मेरे पैगंबर फरमांदे ने बेटी चुप कर जा, अज दे बाप तेरे बाबा मुहम्मद दियां सारियां तकलीफां मुक जाणगियां। मेरे पैगंबर ने बेटी नू करीब कर लिए, अज कन दे अंदर गल कीतीए ते सजीदा फातिमा रोण लग गईयां ने। अल्लाह अकबर गल मेरे पैगंबर ने की कीती है, बेटी फातिमा अज मेरियां तेरियां जुदाइयां पैण लगियां ने। अल्लाह ओए बेटी फातिमा गोए बाबा मुहम्मद गोए ते गल जुदाई दी गोए ते बेटी रोवे ना किवें हो सकदे। अज किसी आम बेटी दा बाप टुर जाए ते बेटी दे अखां दे आंसू नहीं थमदे, क्योंकि ये प्यार वाला रिश्ता ए मोहब्बत वाला रिश्ता जितों विछड़ दे अल्लाह दी कसम उदों कदर पैंदी है। ओए बड़ा सेक हुंदा जे वछोड़ियां दी अग दा, बड़ा सेक हुंदा जे वछोड़ियां दी अग दा, मापे टुर जान ते फिर पता लगदा, फिर पता लगदा किवें मैं हिसाब लिखां कोई भी हिसाब नहीं। ओए मापियां दे मिठड़े बोलां दा जवाब नहीं, प्यार भावें कट्ठा करे प्यार भावें कट्ठा करे तू सारे जागी दा, मापे टुर जान ते फिर पता लगे दा, फिर पता लगे दा। और बाप टुर जावे ते मार दी जुदाई ए, पुछियो दे कौनों जी दी टुर गई माई है। दुख खून चूस लेंदा, दुख खून चूस लेंदा यारो रग रगी दा, मापे टुर जान ते फिर पता लगदा। रब्बे रखम खुमा कमा रब्बा या ना सगीरा, या अल्लाह मेरे समय जिन्हां दे वालिदैन फौत हो गए उन्हां दियां कबरां जन्नत दे बाग बना, जिन्हां दे जिंदा ने या अल्लाह सेहत ईमान वालियां लम्मियां जिंदगियां अता फरमा, या अल्लाह जिन्हां दे मापे बीमार ने शिफा अता फरमा। मेरे पैगंबर ने करीब किया, बेटी मेरी तेरी जुदाई का वक्त सजीदा रोन लग गईयां। आपने फिर करीब किया, फरमाया बेटी सब तो पहला खानदान अंदरों मेरियां तेरियां मुलाकातां होणगियां। सजीदा फातिमा मुस्कुरा पईयां। हरात मेरे पैगंबर ने बेटी नाल प्यार भी किया, फिर तरबीयत भी की। अल्लाह की कसमें हज़रत फातिमा की तरबीयत सी, अल्लाह ताला ने सजीदा फातिमा के बतन दिंदरों अल्लाह ने सैयदना हज़रत अली नू बेटे अता फरमाए, जेडे दो बेटे जिन्हों का हदीस के अंदर कसरत दिनल जिक्र, हज़रत हसन व हुसैन और जनती जवानों के सरदार बन गए। पता चलिया अगर बेटी की तरबीयत अच्छी होए तो अल्लाह बेटिया की वजह करके भी नावें चमका दिया कर दे। अज मुहर्रम का महीना आंदे, हर मसलक वालियां दी जुबान ते हज़रत हसन व हुसैन का जिक्र हुंदे और कयामत तक इन्हां शहज़ादियां का जिक्र हुंदा रहेगा। हज़रत हसन व हुसैन का जिक्र होएगा, सजीदा फातिमा का जिक्र होएगा और अल्लाह ताला ने कयामत तक लोगों वास्ते मिसाल बना दी है। रब चाहे तो पुत्रां नाल नाम चमका देवे, रब चाहे तो धियां दे नाल नाम चमका देवे, ये मेरे रब दियां मर्जियां ने। बेटी नूं बुरा समझना, बेटी नूं मनूस समझना और मुहब्बत भी करनी है, इन्हां दे हक भी देने ने। कई बंदे कहिंदे ने जी ओ असी ते हक देना चाहते सां लेकिन ओह बेटी साड़ी ना कहिंदी मैं हक लैणा नहीं। कदी पुत्रां भी कह के असी नहीं लैणा, क्यों जी? कदी बेटियां भी कह भी असी हक नहीं लैणा, कदी नहीं कहा। बेटियां क्यों कहिंदियां ने? डरदियां कहिंदियां ने जे अज हक लै लिया तो कल इन्हां दरवाजे नहीं आण देना। और अल्लाह दी कसमें मस्जिद के अंदर बावजू बैठा तांदलियां वाले दा इलाका, उत्थे एक वाकया पेश आया। बाप ने ना अपनी सारी जायदाद अपने बेटे दे नाम लगवा दी थी। ते हुण बाप बीमार हो गया तो पुत्र पुछदा ही नहीं, बेटा पुछदा ही नहीं। तो बाप नूं थोड़ा जिहा एहसास हो गया, उन्हें कहा मैं हुण ना जिहड़ा मेरी बेटी का हिस्सा बनदा सी उहदे नाम लगवाणा। उन्हें पुत्र नूं बुलाया, पुत्र इहदा जिहड़ा हक बनदा है उहनूं हक दे। कहिंदा मैं ते नहीं देना, मुजरम कौन है? बोलो मुजरम कौन है?
हुण पुत्र देवे ना देवे बाप ते मुजरम बन गया ना। मेरे भाई जिथे इस्लाम ने बेटी की अजमत बयान की है, बेटी की तरबीयत का पैगाम दिते, उत्थे बेटी का हक भी बयान किया। अल्लाह ताला को दुआ है अल्लाह जो सुनिया सुनाया अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। बड़ियां सारियां हदीसां बड़े सारे वाकयात रह गए, फिर इंशाअल्लाह किसी मौके पर गुफ्तगू करांगे। आखिर दावा ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।